शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मकबरा तो बनवा ही लाए हो, मार भी डालो बांधे को। बहुत छुट्टी पर गई है रानी साहिब। अरे? एक अदना सिरानी को हलाक करने के लिए फौज दरकार है। हमें अपने जान बना के हाथों कत्ल होना है। जी? अच्छा, वो मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नई रानी को जबान दे चुके हैं। किसे? परेशान मत करो, नहीं रानी शहर में है और ये मकबरा भी उसी का है। अरे आ जाओ ले लो। चलो ना रे, हां ले लो, आ जाओ, आओ ले लो, ले लो। रुको, सरेंडर कर दो। क्या कर दो? सरेंडर। तीन सौ दो और 304 के गवाह नहीं है उनके पास, और 396 में 4 साल से ज्यादा नहीं रख पाएंगे तुमको अंदर। कचहरी गई थी तुम?
हाँ क्या पूछ रहे हैं हम? कचहरी गए थे तुम? हाँ गए थे। तीन साल में गिनकर तीन दिन नहीं बिताए होंगे साथ। तुम्हारे जाने के बाद दिनों तक बिस्तर नहीं संवरता। चादर पर तुम्हारी सिलवटों में मरे पड़े रहते हैं। अब नहीं होगा हमसे। अब समझे कितना बड़ा असर बैठे हैं। क्या समझे? लगता है कोई और मिल गया है हमारे कृष्णा को। अब जो आप बोलेंगे वही होगा। अगर तीन महीना में अपना गवर्नमेंट नहीं आया तो हम सिलेंडर कर देंगे। सिलेंडर नहीं सरेंडर। हाँ वही इस्माइल, ऐसे ही परेशान रहते हो तुम। अब जाएं। नसीबन हमारा जाना था। जीजा जी रैम, मजबूरी में एक गलती हो गई। एक एकड़ नहीं घर जाके आपके पैसे में से मुश्ताक भाई, पूरे 20 लाख है बैग में, गिन लो। अरे हमारी क्या मजाल कि हम आपकी ईमानदारी में शक करें। कोल्ड स्टोरेज में 15,000 की बर्फ गल गई। 15,000? अबे पैसे की जरूरत थी तो पैसा उड़ाते, वहां का फ्यूज उड़ाने की क्या जरूरत? रोशनी में पहचान ले जाते ना। वैसे भी आपके कोल्ड स्टोरेज में आपके पैसे ठंडे हो रहे हैं, बर्फ थोड़ी हो रही है। 3 फुट का हो गया मुश्ताक भाई। 2 फुट और खुद, बहुत गले इंसान है ये खालू भांजा। 2 दिन बाद बस मारने लगेंगे। माफ कर दो। देखो जीजू मुझे राखी बांधती है। मैं आपका मुंह बोला साला हुआ ना, आधा घर वाला हुआ ना, खुदा के वास्ते माफ कर दो। जीजा जी, अरे जीजा जी, क्या यहाँ? अरे जी, ये शोरगुल क्या चल रहा है?
कहाँ हुआ? अरे कुछ नहीं, ऐसे किसी जीजा साले की तकरार हो रही है सड़क पे। अच्छा घर कब आ रहे हैं? दरगाह से हुआ है। दुआएं भी मांग ली। सुभान अल्लाह। आखिरी ख्वाहिश, इन लतीफा सुनाना है। एक मौलवी साहब अपनी तोती से बहुत परेशान थे। उनके पाक साहब घराने का ना माहौल खराब कर रही थी वो तोती। मुझे ऐसी गंदी गंदी गालियां फूटती थी कि मुझे ऐसा कमीना भी शर्मा जाए। मौलवी साहब ने अपना प्रॉब्लम है ना काजी साहब को बताया। काजी साहब ने बोला, एक काम कर, तू तेरी तोती ला के मेरे यहाँ ले आ। मेरे पास दो तोते, सही माहौल में रहेगी तो दो दिन में जबान ठीक हो जाएगी। काजी साहब के जो तोते थे ना, वो दिन भर कलमा पढ़ते थे, अल्लाह अल्लाह बोलते थे। तो मौलवी साहब ने बोला, ठीक है मैं कर देता हूँ। मौलवी साहब अपनी तोती ले के आके काजी साहब के यहाँ छोड़ा है। काजी साहब ने तोती को पिंजरे में डाल दिया और दो तोते तोती को देखते ही मुस्कराने लगे। फिर एक तोते ने दूसरे तोते के कान में जाके बोला कि क्या बोला? उनको शर्म आ रही है। क्या बोला? कान में बोलो ना। नहीं नहीं, अरे क्या बोला? कान में बोल दे। कान में। मैं कान में बोलूं? ये जरी सॉरी। चल बाबन, चल चल। खालूजान, मैं कह रहा हूँ उसको जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे नहीं, अपने हाथ से अपनी बहन का घर उजाड़ दूँ? ये मुझे साला माने ना माने, मैं इसे सच्चे दिल से जीजा मानता हूँ। रस्सी टाइट तो नहीं है जीजा जी? देखो ना, चलो तब मैं माफ किया। अब खोल कहना मुश्ताक भाई कि हमने गलती करने में थोड़ी जल्दी कर दी और आपने माफी मांगने में थोड़ी देर, तो सॉरी। अगली बार तुम्हारी कपड़े भी तुमसे वही चुपवाऊंगा। कहते हैं पहले पेग में शादी का घोड़ा, तीसरे में डाकू और पांचवे में रेस का घोड़ा। तीन महीने में 30 बरस का याराना हो गया था पसंद से। वो एक एमएलए का मर्डर केस था ना, तब हमारे यहाँ पनाह ली थी। नहीं बबन, आजकल नंगे हैं कि बुरखे में? मैं कह रहा था कि वो अंदर है कि फरार है? मैं चाय चढ़ाती हूँ। एम तो रम का हो रहा है। मजाक कर रही है। वो सर खाना पीछे है, तौलिए यहाँ रखे, बर्फ और नमकीन लगा देती हूँ। खाने की थालियां ढक के रखी रहेंगे। नहीं नहीं, खाना तो हम वर्मा जी के साथ ही खाएंगे। कब तक आएंगे वो? तकरीबन कभी नहीं। माकड़े हो कह रही है Thank you.
ये बार अगर किरकिरी निकला तो देख रहे हो। नहीं चख के देख लो भाभी। तुम चखे हो कि नहीं? तो पिछली बार भी चखा रहा। चख के बताएंगे जरा? हाँ जरूर। सुभान अल्लाह। एक चम्मच और मिलेगा? जरूर। और आप? मैं मीठा नहीं खाती। तो इतना मीठा गाती कैसे है? माफ कीजिएगा, आपका वो पौधा हमसे बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं। भाभी, गन्ना हुआ है, देख लिया? अच्छा। वर्मा जी के बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ। हमें तो लगा था ये सारा मामला सुलझ गया है, अचानक कैसे? अरे क्या यार भाष आदमी थे। ये मकान गवाह है उनकी यारियों का। यमराज से दोस्ती में घर तुझता होना ही था। Yes. Oh. आप और आपके दोस्त में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का नहीं, हिंदू मुसलमान का फर्क है। वैसे मैं इतना गलीज लगता हूँ कि ऐसे आदमी का दोस्त कहलाऊं? भांजा है मेरा। माकड़े कोने पे तू? चल परे कर बंदूक। बंदूक नहीं, तमंचा है बे। और घोड़े का तार मुड़ गया अंदर से, फाड़ गया तो हाथ में फट जाएगा। ला इधर ला। उम्र क्या है तेरी? 5 + 20। तू हथियार के बारे में इतना कैसे जानता है? हमारे गांव में चुत्तर धोने से पहले तमंचे चलाना सिखाते हैं। कुछ और पंगा, जंगल जाएंगे तो देना, बापू 2 मिनट में ठीक कर देगा, समझा? चल। सुन 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 यार, सुन 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 सुन। क्या बे? नाम क्या है तेरा? नंदू। नंदू, शहर चलेगा मेरे साथ? फटपड़ी पे ले जाऊंगा झाड़ू पोछा के बाद। सुन, शहर में रेड लाइट ही रहेगा, पता तुझे? पैसा लगेगा। मैं कौन सा कटोरा लेके जा रहा हूँ कोठे पे? हैं? अबे सल्फेट, कोठे वाले की नहीं अपने पैसे की बात कर रहे हैं। अबे तेरी कौन लेगा? चल। तो लगता है ऐसे के जैसे युगों से तुम्हारे लिए। जी? तुम्हारे लिए फिल्म का गाना है ये, जयदेव जी का संगीत। और क्या गाया है लता भाई ने, वाह वाह वाह। आप संगीत के बड़े शौकीन लगते हैं। हाँ, मेरे चचा जान तबला नवाज हुआ करते थे, उस्ताद शकूर हुसैन खान, इंदौर घराना। तो फिर आप कैसे? किस्मत। वैसे थोड़ा बहुत मैं भी बजा लेता हूँ। आप गुनगुनाती रहिए ना, नहीं तो तरकारी तीखी हो जाएगी। हाँ जरूर। हमें बॉर्डर पार जाना है नेपाल। अब वर्मा जी तो है नहीं, सो कोई नया जुगाड़ ढूंढने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। नजदीक में कोई महफूज सा सस्ता सा सराय होगा? आप चाहें तो कुछ दिन यहीं रुक सकते हैं। जी, लेकिन और सराय में ना सुनने के लिए गाना होगा, ना ही तोड़ने के लिए गमले। हाँ। लहसुन। हाँ। वो देख माँ, वो जंगलों के पीछे हमारा गांव है और वो झील पार ठाकुरों का। अच्छा। पिछले महीने 6 ठाकुर कमाए हमारे से ना है। कमाए? ओ तेरी तो जाति युद्ध चल रहा है यहाँ सालों से, हर जात की अपनी सेना,
मेरी भी जल्दी भर्ती होने वाली है, समझा? टिकट के पैसे काट के 92 रुपए हुए हमारे। पास हुए। सुन, तू सेना में भर्ती हो क्या करे? इस गले से सीधे जाकर दाएं मुड़ना और वापस आकर यहीं मिलना, समझा? तो दिन के 100 रुपए दूंगा मैं। कर दो ना, पैसे कम खाने कम। कहाँ गया? यही तो था। क्या कह रहे हो खालू? अरे सुबह तो मैंने 500 रुपए निकाले थे इसमें से। बीच में क्यों डाल रहे हो? रहने दो ना इनको, कहिए देने में दफना दूं तुम्हारे साथ। लेकिन हम गए तो आपका पैसा भी तो जाएगा ना जीजा जी, हमेशा के लिए। एक मौका, आखिरी, प्लीज, बस एक आखिरी मौका। हेलो जान। जी जी, मैं इफ्तिखार। हाँ भाईजान, बोलिए। जी जी, बड़ी मुसीबत में हैं हम। क्या हुआ? इतनी छोटी सी खता के लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं जीजा जी। अच्छा, लेकिन जिंदा दफना रहे हैं हमें। तो कहिए क्या चाहते हैं आप? जी जी, रक्षाबंधन में एक महीना बाकी है, बचा लो हमें, खुदा के वास्ते बचा लो ना। ठीक है, उनको फोन दो। हैं? अच्छा अच्छा, उनको हाँ अभी देता हूँ। जाना, देखिए गुनहगार तो वो हैं आपके, पर मेरे भाईजान भी हैं। हो सके तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मार दीजिए। फैसला आपका होगा। अल्लाह हाफिज। मुझे मेरे पैसे चाहिए। रक्षाबंधन से पहले सोच समझ। भागने को तुम भाग सकते हो, इधर भागोगे दुबई, कतर, कुआलालंपुर, नेपाल। पकड़ मैंने तुम्हें लेना है, लेकिन इस लौंडिया के 2 बराबर के हिस्से करके तुम दोनों की कब्रों में गाड़ने के। लोहे के जूते पहने थे सारे, हड्डी चटकने लगता है। सीधा, कुछ नहीं हुआ, मैं चिंता लेके आती हूँ। बेकार,
ज्यादा मासूम मत बन। कौन छुपाए तूने पैसे? बब्बन पागल हो गया है क्या? अरे पागल तुम हो गए खालू, जाएगा कहाँ बैग? हाँ कल तक तो यहीं था। हम तीनों के अलावा और कोई यहाँ पे आया नहीं है। आया है नंदू। कब? जब तुम धन्नू की बाहों में टंगे हुए थे, वो तुम्हारे कमरे की सफाई कर रहा था। आ जा रहे बब्बर। नपुंसक नहीं है। यहां पड़ी बंदूक कंधे पर लटकाने के लिए नहीं, उनके घर में घुसकर उनका खून पीने के लिए है। अगर हमारे गूदे में बूता है नंदू कहां रहता है आपको पता है? असली गांव और असली नाम बता। वैसे तो मैं भोपाल का हूँ और हलिया गांव में रह रही हूँ। वर्मा साहब का मेहमान हूँ मैं, सही कह रही हूँ? यही क्या है मेहमान? हाँ तमंचा खराब हो गया था मेरा, तो नंदू कह रहा था कि वो गांव में आ जाओ बना दूंगा मैं। दोन बाबू नंदू सेना में भर्ती हो गया है समझा जी, उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना ठीक है जी। एक प्रकार वर्मा जी कैसे हैं? वो तो फोत हो गए, उन्होंने आपको पता नहीं इसके बारे में? वो तो गए। खालू अरे खालू अरे भाग गए क्या? दो इफ्तिखार। अरे बुढ़ऊ भेरे हो गए क्या? घंटे भर से चला रही हूँ मैं, सुना नहीं देता? क्या हुआ? क्या हुआ घंटा हुआ? खालू पैकिंग करो और निकल लो यहाँ से। हालू मैं कह रहा हूँ ये जगह बहुत डेंजर है, अपने यहाँ तो शिया सुन्नी होते, यहाँ पे तो ठाकुर यादव पांडे जाट सब ने अपनी अपनी फौज बना रखी है। और मुश्ताक? हालू सुन्नी ऐसे गायब होंगे कि मुश्ताक बुढ़ा जाएगा ढूंढते ढूंढते। और हम भागते भागते तो यहीं बैठे बैठे क्या तुम सोने का अंडा दोगे? मुश्ताक को उड़ाना है इस बार, आने दो उसको। वाह मेरे जहाँ बात सिप्पे सिलार मियाँ इफ्तिखार, पिछवाड़ा उठाओ और टॉप गियर में यहाँ से सर पर ढो लेते हैं। तू जा मैं नहीं चलने वाला। अरे मैं नहीं चलने वाला, मैटर क्या है? मैं अपनी खातिर किसी मासूम को सूली पे नहीं चढ़ा सकता। अरे कौन मासूम? माकड़े मौसम तो आशिकाना होता जा रहा है, सरफरोशी की तमन्ना दिल से निकाल दो। क्यों बिना देश के शहीद होना चाहते हो हैं? अरे खालू तुम ही तो सिखाते थे, भूल गए? शेख अपनी अपनी देख। अरे खालू लोंडिया मरे तो मरे, हमें इससे क्या है? मुझे होना हूँ, मुझे है। तुम तो
सर छुपाने के लिए जगह इसलिए नहीं दी थी कि मेरी ही गर्दन दांव पे लग जाए। भागना है, लड़ना है या कुछ और करना है, अब जो भी होगा मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। तेरी हरामजदगी का अंदाजा तो मुझे था, आप समझदार लगते थे मुझे, पर एक नंबर के चूतियम सल्फेट निकले। बहुत मासूम लग रही है, हैं? हर कमरे में गैस का सिलेंडर है, लकड़ी पे खाना क्यों बनाती हो? बंदूक बहुत अच्छा चलाती है, कहाँ पे सीखा है? बात नहीं करेगी। मैंने तुम पे शक किया उसके लिए सॉरी। चलो अभी लड़ाई लड़ाई माफ कुत्ते का। देख मुझे गाने बजाने की जबान नहीं आती। फिर किस जबान में समझाऊं तुझे? पेड़ की छोड़ो ना, बताओ आम कैसा है, है? अरे गुठली टेंट में अटक जाएगी। खान तुम गुस्से में हो, अभी तो सल्फेट बोल दिया तो कोई तुम सल्फेट थोड़ी हो गए। और खालो लोंडिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। कैसी नहीं हुई? रुई का पहा, गुलाब की पत्ती, साक्षात देवी। खालो सुतली बाम है, देसी तमंचा, वर्मा का पूरा धंधा घोल के पी गई है। और कसम खुदा की कह रही हूँ कालू, कमाल का प्लेन बनाया इसने। हाँ बड़ी मेहरबानी कृष्णा जी, बड़ी मेहरबानी आपने हमें हमें अपने गैंग में शामिल कर लिया। हम तो टटपूंजी ऐसे ठाई गिरे, लैपटॉप मोबाइल फोन और बहुत हिम्मत हुई तो कार। आज तक किसी का कुत्ता बिल्ली भी किडनैप नहीं किया है हमने। ये करोड़पति को किडनैप करने की बात कर रही है यार, ये एहसान क्यों कर रही है आप हम पे? अरे हम तो बहुत बड़े सल्फेट है ना, सल्फेट। सुनिए सल्फेट ज़्यादा नाराजगी मुझसे है, फिर खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? जाए जाए यहाँ से। कहाँ जाए? ठीक है, नहीं सुनना तो ना सही, लेकिन अगली बार जब मुश्ताक आए
तो उसके पैरों पर गिरकर रोइएगा नहीं, अच्छा नहीं लगता देखकर। वर्मा जी के साथ मेरे जीने का शौक भी भस्म हो गया। औरत अकेली होना तो हर मर्द की निगाह कपड़े का झोंकना चाहती है, और ऊपर से घर का सूनापन। कई बार कलाइयां काटने की कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन पहले कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास सिर्फ दो सूती साड़ियां, एक कंगन और दो बिंदी हैं। आपके आने के बाद जैसे सब कुछ कम कम सा लगता है। एक बार फिर जिंदगी जीने का मन कराया है। लेकिन जितनी बड़ी रकम होगी ना, खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। ना 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 कृष्णा जी, लालच मरवाएगा हमें। ऐसा करते हैं, कुछ छोटा मोटा करते हैं ना, ताकि काम भी हो जाए और जान का खतरा भी ना रहे। पांच कैंसल, दो दो लेते हैं, हैं? कोई छोटी मोटी मछली है क्या? क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि कोई छोटी मोटी मछली पकड़ते हैं, हैं? आइडिया कैसा है? कमल कांत कक्कड़, शहर का सबसे छोटा रईस। लोहे का छोटा सा कारखाना है, लेकिन घर की इमारत बहुत बड़ी। अरे क्या करूं यार, मैंने भी कह दिया 10 साल का वीजा लग गया है। कक्कड़ ने बड़ी चालाकी से अपने आप को शातिर अपराधियों की नजर से बचा के रखा है, पर वर्मा जी की नजर से नहीं। और जो इरादे वर्मा जी के थे, उन्हें अब हमें पूरा करना है। अगर आप भी जिंदगी की रोज की चकचक और झकझक से परेशान हैं, तो फिर इंतजार कैसा, क्योंकि कोई नहीं है के स्टील जैसा। एक बार हाथ आ गया ना, तो अपने 2 करोड़ का तो कक्कड़ 2 घंटे में इंतजाम कर सकता है। मेरा स्टील, आपका स्टील, हमारा स्टील, के स्टील। ओ मत पूछो जी, ये यूनिट वालों के असलहा, फोन, पैसे और सही वक्त। कक्कड़ कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जाएगा। बाथरूम में दफ्तर से बिस्तर तक, पल पल का हिसाब। मेरी अपनी कमाई के हैं, कम से कम एक पुरानी गाड़ी तो खरीद सकेंगे इससे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी गाड़ी तो हमें उठानी पड़ेगी, खरीदेंगे तो पकड़े जाएंगे। मैं कल सुबह जाके गाड़ी पड़ी कर गया था। कल सुबह जाके गाड़ी पड़ी? अरे कल नहीं, कल अगर गाड़ी उठाएंगे तो रपट भी थाने में कल ही जाएगी। और परसों हम जिस दिन उसे उठाना होगा, उससे एक दिन पहले गाड़ी का इंतजाम करेंगे। और गाड़ी गोरखपुर से नहीं, फैजाबाद से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फैजाबाद के होटल का और पेट्रोल का बिल डाल देंगे, और जब पुलिस वालों को गाड़ी मिलेगी तो वो तहकीकात करने फैजाबाद पहुंचेंगे। चाय पियेंगे? क्यों खान? हाँ हाँ, बहुत उड़ रहे हो। पहले कक्कड़ को उड़ाने का प्लान बनाओ। 12 दिन रह गए।
आ गया। आ, गाड़ी का नंबर 53AB। चार दिन है तुम्हारे पास क्या? पर जीजा जी, राखी में तो अभी 6 दिन बाकी हैं। नहीं, तुम्हारी मौत में 4। मेरी मान जी की शादी है लखनऊ में परसों, उसके बाद मैं सीधा आ रही हूँ। मुश्ताक भाई, हेलो हेलो। अब ट्रांसपोर्टेशन पकड़ो जी, और बाजार में चाइनीज आर्डर मिलते हैं कितने में? ओनली 55,000 जैसे। अब रिटेलर जो है, अब टाइम छोड़ने वाला ना, चल जल्दी जा, जा वो दिया कर बाकी का काम देख तू यार, जल्दी आ। तो कह रहा था भाग लेते हैं यहां से, पर आपकी अकल तो टेल नहीं निकली थी पुतली भाई के पल पल के चक्कर में। कक्कड़ अकेला मिलने वाला नहीं है, पर आपके जीजी के कसम आ रहे हैं, राखी बांधने यहाँ गले में। हाँ कृष्णा जी, ये कक्कड़ 8 बजे मंदिर जाता है और वहां से सीधा 11 बजे फैक्ट्री। मंदिर से फैक्ट्री तक पहुंचने में आधा घंटा चाहिए, तो 2.5 घंटा मंदिर में कुछ ज्यादा नहीं है। बब्बन, अरे चाचा आगे चलो। भाई भाई साहब, भाई साहब मेरा फोन गिरा, अरे मेरा फोन गिरा इधर यार, अरे एक मिनट, अरे रुको नहीं, अरे अरे ठहरो ना एक मिनट, मेरा फोन गिर गया इधर। कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम्, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विनयते। कौन है यार? ममता कितने है? कितने ममता? प्यार हमारे की। अब तो मेरी प्यास बुझा दे। हाय जाम। राजी। बाबू। बुबू। कुकू। कुकू। ठंड पड़ेगी। दुनिया के लिए मंदिर जाता है, लेकिन असली पूजा ब्यूटी पार्लर में होती है। इससे महफूज जगह नहीं हो सकती उसे उठाने के लिए। बबन, कल चलते हैं फैजाबाद गाड़ी लाने। उन दोनों के अलावा और भी कोई था क्या? कौन? हंटर वाली। कौन वाली? अरे क्या हुआ, क्यों हंस रही है कृष्णा जी?
हुआ क्या? मैं ममता को धोखा नहीं दे सकती। कौन ममता? ये तुम्हारा है? हाय हाय भैया। अरे थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अंदर गिर गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बब्बन, एक घंटे से अंदर बैठा है, अंडे दे रहा है क्या? नहीं, मुर्गियां गिन रहा हूं मैं। खालूजन पराठा। देखिए आप मुझे खालूजान मत कहा कीजिए। क्यों, कितना अच्छा नाम है। खालू का मतलब होता है मौसा। जरा अजीब सा बूढ़ा बूढ़ा लगता है। मेरा नाम है इफ्तिखार। इफ्तिखार तो और बूढ़ा बूढ़ा लगता है। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि खालू जान में से खालू निकाल देते हैं। जी। खालू मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों? कल रात से बहुत एसिडिटी हो रही है मेरे पेट में। सुबह से चार बार जा चुका हूँ मैं। वैसे भी आप तो चैंपियन हो गाड़ी पड़ी करने में। अरे नहीं, अकेले में रिस्क बहुत है। तो मैं चलूं साथ? मैं तैयार होकर आ रहा हूँ दो मिनट में। दवाई देती हूँ, दस मिनट में ठीक हो जाओगे। अरे कुछ अच्छा लग रहा है? हो जाएगा, हो जाएगा। कृष्णा जी ने बोला है तो हो ही जाएगा। कुछ दिनों की बात और है बस, फिर मजे से अपने गांव में पीपल तले पा देंगे और नदी नारे हगने जाएंगे। क्या डंडी डंडी हवा लगेगी पिछवाड़े में। कृष्णा जी से कहें चले नदी नारे? नहीं नहीं नहीं, गांव में। यहाँ क्या करेंगी? वहां तो तू भी है, मैं भी हूँ, और तेरा तो निकाह भी होने वाला है ढंग से ना। कह रहे थे चलो रहो हमारे साथ, मेरे साथ। क्या हुआ, क्या हुआ? ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अब कहाँ जा रही है? कंट्रोल नहीं हो रहा है गाड़ी। अबे बस छूट जाएगी। ए बब्बन, यही वक्त मिला था तुझे अंदर बैठने का। अबे बस छूटने वाली है बे। चलो मसला मेरे हाथ से निकल चुका है। अरे रोक ले थोड़ा, बाकी फैजाबाद में हग लीजो, जल्द निकल। अरे चाचा, अरे जल्दी करो, बस जा रही है। ठहरना भैया ठहरना। अरे बस छूट जाएगी ना मुराद। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे आ रहे हो, आ रहे हो। ऐसा लग रहा हूं मैं? चूतियम सल्फेट। क्या ये ठीक है? उठो, आते ही होंगे खालू जान। आने दो, मैं कहीं नहीं जा रही हूं।
जाना तो पड़ेगा। मैं तो यहीं रह रही हूँ। यही? हमेशा? और करोगे क्या? मुझसे ताई से आई है परसों? आज आप तीन चार रोज में? हाँ अच्छा। आप कब आए रात पता ही नहीं चला, जगाए क्यों नहीं? आपके सपने में खलल डालने की हिम्मत नहीं हुई? आप भी ना खालू जान। यहाँ से मेरा नाम डॉक्टर, तुम्हारा पेंटर और मेरा नाम किसान। सुबह से इतनी बार सुन चुका हूँ, मेरे होने वाले बच्चे को भी प्लेन याद हो गया। चलो चलो। और आप किस हक से गाली दे रहे थे मुझे? आप मेरे पति हैं, यार हैं या दलाल हैं? कहाँ से आ रही हो, कहाँ को जा रही हो? लेसन देते हैं कि नहीं? अरे कमाल है, थैंक यू। तो लेसन जी, कौन से थाने से हो आप? कवा बाग बोले नहीं? अच्छा 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 अच्छा, कवा बाग बोले। नाम चिड़िया का रखने वाले जी। अपने वो ओमबीर जी भी तो वहीं पोस्टेड है ना? हाँ। तो मेरा नमस्ते कीजिएगा जी। क्या किया? चल आ गए हो? अरे उसको उठाना था, निपटाना थोड़ी था।
लोग जमा हो जाएंगे, जल्दी से इसे अपनी गाड़ी में निकालो। क्या हुआ भाई, टायर फट गया का? मर गया का? लगता ब्रेक फेल हो गए। अरे टायर नाली में फंसा है भाई। क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है पीछे? उतने नजदीक से क्या नाक के बाल गिन रहे हैं उसके? अरे गुलाटी, अरे गुलाटी दामे, तो रोज का चक्कर है, प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल का यहाँ पे पता है। चलो बाहर निकालो, निकालो बाहर, चलो चलो यहाँ पे हाथ लगाओ। चलो 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 बाहर निकलो। हाँ में तेरी अजब सी अदाए है, दिल को बनाते जो पतंग पतंग। देखना बंद करेगा तू? अरे नहीं खालू, सासों में तेरी। अरे क्या कर रहे हो खालू, क्या हो गया तुमको? सच अटक गया है हलक में, निगल नहीं पा रहे। अरे कौन सा सच है? सॉरी गालू, अभी जब तक मुझे तुम्हारी नियत के बारे में पता चलता तब तक मेरी सारी तबीयत फिसल गई थी गालू। मैं सोच रहा था बताऊं नहीं बताऊं, चलो एक तरह से ठीक ही हुआ गालू, कुदरत ने मसला हल कर दिया हैं। बस गालू अभी हमारा निकाह पढ़ा दो आप। कृष्णा जी नहीं तो उनके बच्चे ही सही। अरे क्या कर रहे हो गालू, मस्तक मत फिराओ तुम मेरा। अरे ज़्यादा तो नहीं लगा लूँ, सॉरी है। नालियाँ चाटने के लिए आया था तू? वैसे भले तेरा बाप तो भाग गया था मौलवी की लौंडिया के साथ है, अगर मैंने तुझे नहीं पाला होता ना तो वहीं अलीगढ़ में गलियों का कुत्ता बना रहता तू। तुम हाँ, अगर मैं नहीं होता ना तो मुश्ताक के बरामदे को जीप से पोछा मार रहे हो तुम। बेटे की तरह पाला है मैंने तुझे हरामजादे। बेटे की तरह पाला है? निकाह तो करा नहीं पाए तुम मेरा, मेयर के पैसे तक नहीं जुटा पाए थे तुम, तो बारात वापस लौट गई थी। अरे तो तू जैसे रंडी बास को कौन देखा अपनी बेटी है? दोनों का चाल चलन अच्छी तरह समझ गए थे वो लोग। कौन दोनों? एक तू और एक तेरी अम्मी। मैं कह रहा हूं खालू, अम्मी को बीच में मत लाओ तुम। मैं कहां ला रही हूं, सारी दुनिया कहती है। क्या कहती है? यार बाज अम्मी का रंडी बाज लौंडा। ये रहो, अम्मी को बीच में मत लाओ, अम्मी को मत लाओ बीच में। बात नहीं सुन। विद्या कहाँ? दुआन कहाँ है? मेरे पति परमेश्वर विद्याधर वर्मा। कृष्णा अपने हाथों से उसकी राख गंगा बहाई है। मैंने पहले भी बताया था तुझे, तेरा बहन है कि वो जिंदा है। फोन लगा उसे। लगा? तू पागल हो गई है कृष्णा? Thank you.
आज से आप लोग आजाद हैं। शाम 5 बजे की भोपाल की ट्रेन है। कक्कड़ किधर है? तकरीबन 25 लाख हैं, शायद कम लगे, पर आप अपना उधार जरूर चुका पाएंगे। गिन लीजिएगा। हम गिनते थे, रोज गिनते थे। जब ये चोरी नहीं हुआ था, हम दोनों रात भर बैठ के बस इसे गिना ही करते थे। चाहती तो मैं पैसे लेकर भाग सकती थी, जिंदगी भर ढूंढते रहते मुझे, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। ज्यादा पैसे चाहिए? अम्मा निकली है तो सबकी, क्यों निकाह पढ़वाऊं तेरा? अपने बच्चे खिलाएगा मेरी गोदी में? ये जगह आप जितना जल्दी छोड़ दे बेहतर होगा। बेहतर है? जाने से पहले वजह जानने का तो हक है ना हमें। इश्क में सब बेवजह होता है। बैग फटा हुआ है, कोई और बैग है वो ले लूं। कहाँ है कक्कर? चौगी वर्मा यहाँ पहुंचता ही होगा। क्या करेगा, उनको बुला के यहाँ पे? कल रात को जब तू सो रही थी ना, पूरी रात बैठ के देख रहा था मैं तेरे को। तू पहली औरत है जिससे जी लगाया, और तुम साली हरामी, तू खेल रही थी मेरे साथ। ए बब्बन, पता नहीं कहाँ छुपा दिया साली ने, कहीं नहीं मिल रहा वो। जानता था जी मैं इनके पति को, एक नंबर का छड़ा हुआ बदमाश था वो, मुझे भी धमकाता था पैसे के लिए। पर सर जी, इतने पैसे तो उसने भी नहीं मांगे। पैसा है मेरे पास, पर अब ऐसा भी नहीं है सर जी कि चुटकी बजाते ही 4 करोड़ आ जाएगा जी। 4 करोड़? ते तो 2 करोड़ हुआ था जी। 2.5 करोड़ का ऑफर तो खुद मैंने दिया जी। विद्याधर वर्मा तेरे धंधे में पार्टनर था? धंधा? कौन सा धंधा भाई साहब? नेपाल से हथियारों का सप्लाई। सर जी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का आपस में क्या संबंध है जी, और मुझे अपनी सफाई में अब कुछ कहना भी नहीं है। सर जी, आप लोग बताओ कि मुझे करना क्या है। 2.5 करोड़ का इंतजाम करने में कितना टाइम लगेगा? हेलो ममता, ऊपर मैंने तो दीदी के हाथ बिजी थे तो मैं। स्पीकर फोन पे डालना जी। हाँ हाँ कुकू बोलो। मेरे को कुछ पैसे चाहिए अर्जेंट। अरे क्या तुम किडनैप हो गए हो? ओ नहीं यार, इनकम टैक्स, समझी ना। अब तो मेरी बात ध्यान से सुन, 1.5 जो है वो बड़े वाले फ्रिज में है, और 1 परसों ही मैंने माइक्रोवेव में डाले। तू ये पैसा लेके फैक्ट्री पहुंच जल्दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 2 बंदे वहां पहुंचेंगे 1 घंटे में। कुकू तुम तो मेरी फिक्र मत कर यार, मैं शाम तक आ जाऊंगा। चल रुका कर,
मंदिर में बंद कर दिया ना, वो लोग आएंगे ढूंढ लेंगे। खालू, ये लोंडिया हमारे बारे में सब कुछ जानती है, पुलिस को बता देगी, क्या करें? करना क्या है, उड़ा दे साले को। क्या खालू, तुम उड़ाओ ना। तू क्यों नहीं उड़ाता? अरे खालू, तुम क्यों नहीं उड़ा रहे हो? क्योंकि मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया है। ये सही है खालू, तुम्हारा इश्क इश्क और हमारा इश्क सेक्स। तो लीजिए। क्या कह रही हैं? तो घर की सी बात है। ठीक ही होंगी। अब हम वर्मा नहीं है, कुल श्रेष्ठ हैं, श्याम प्रसाद कुल श्रेष्ठ। अल्लाह कसम वर्मा जी, कुल श्रेष्ठ जी, अगर हमें जरा भी पता होता तो हम बिल्कुल नहीं पड़ते इस चक्कर में। वो तो मुश्ताक भाई की तलवार हमारे सर पे लटक रही थी, नहीं तो कभी की रवानगी डाल ली होती हमने। नहीं बमन, ठीक है, खुद ही मिलाते हैं उसे। तो हम चलें? क्यों, मिलना नहीं चाहेंगे उसे आखिरी बार? हैं, चलिए चलो। जा रही हो? पहुंच गए क्या? क्या रिया है? हाँ, निकल जा रही हो? अरे वर्मा जी, वो क्या कुलश्री जी से बात हो गई है मेरी? अरे मेरी कहाँ लेके आ गई? अरे बब्बन, बब्बन तू है ना इधर? बब्बन मैं यही हूँ। हालू, बहुत गड़बड़ लग रही है यार, अल्लाह को याद कर लेते हैं मुझे लगता है। ए भाई, कहाँ तक चला के ले जाओगे? चला चला के मारोगे क्या? हैं? वो आप पे मैंने हाथ उठाया, उसके लिए सॉरी। हाँ खालू, अरे मैं भी सॉरी। अरे क्या कर रही है? घुसने पे लग जाएगी यार।
तुझे जानना था ना सेना में भर्ती हुए क्या करूंगा मैं। ये देख चीनी तमंचा। तुझे वर्मा ने भेजा हमें मारने के लिए है? यही नदी में फेंकनी थी लाश तुम्हारी। अकेले का पहला काम है मेरा। तुझे पहले से मालूम था वर्मा जिंदा है? ना बापू से मिलने जंगल गया था तब देखे थे उसको। भूत भूत चिल्लाने लगे थे हम। फिर बाद में लोगों ने पूरा किस्सा बताया। क्या बताया? शादी के बखत भैया भाभी से वादा किए थे कि वो खून खराबा छोड़ देंगे हमेशा के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया को भाभी से प्यार तो था पर अपनी हथियारों से ज्यादा नहीं। भाभी का जिद भैया के काम के आड़े आने लगा। वो छुटकारा चाहते थे पुलिस और भाभी दोनों से। तो अपना नया जन्म के लिए उन्होंने खुद ही अपना मौत का स्वांग रच डाला। भैया ने हमारा जात के लिए बहुत कुछ किया पर भाभी के साथ जो किया है ना उसके लिए हम उनको कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। दुनिया में सबसे गहरी दुश्मनी मियां बीवी की होती है, तो अल्लाह मियां का करम है कि बच गई। अभी अल्लाह मियां क्या करेंगे, वो अकेली और वर्मा के इतने सारे हरामजादे हैं। और तू तो बांध के भी आया है उसे, तो निकल भी नहीं पाएगी वहां से। मैं क्या दो घंटा मारा होके औरत हो तो औरत की तरह रहाओ, तो चले जाओ अपने बाप के घर। उनको खपड़ी अब जाएगा बैठा हो जाए के जिनकी जहां जगह है उनका हमें रहा।
हम बहुत खुश हुए थे ये सुनकर कि उस रात तुम बच गई। पता कैसे चला तुमको? मूछ? लौंडियों जैसे लगते हो। पता कैसे चला तुमको? अरे जिद्दन, तुम समझती कहाँ थी? सेना का सारा बल हमरे पर टिका था, नहीं लड़ाई बीच में छोड़कर नहीं भाग सकते थे हम तुम्हारे खातिर, और तुम सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। सरेंडर नहीं, सिलेंडर। उस रात सिलेंडर खाली था। पुलिस कहती रही कि हमको गलत फहमी हुई है, पर जब लाश टटोले तुम्हारी तो यकीन हो गया। पूछो कैसे? नफरत करते थे हमसे। नफरत करते थे हम? तो तुमको लगता है जो भी हम उस दिन किए हैं वो इसलिए कि हम तुमसे नफरत करते हैं? अरे तुम्हारे साथ ना रहते बनता था ना तो छोड़ते। तो साथ थे जाते? हाँ, जैसे कि तुम आते ही नहीं। उठवा लेते? बीबी हो तुम हमारी, तुमको खुदा चल जाना चाहिए था हमारे साथ। उठवा लेते, चलो अब चलो हमारे साथ, चलो। जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। अब जहां पना और बांधी दोनों इसी मकबरे में दफन हो जाएंगे। कृष्णा, गैस का सिलेंडर रखा हुआ घर के अंदर, जल्दी निकल चलो नहीं तो मारे जाएंगे सबके सब। Rude!
हेलो 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 निजानम, दो दिन से फोन लगा रही हूँ मैं, कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपको सोचते के अलावा कुछ कर सकते हैं हम? चलिए छुट्टे कहीं के, और आपके गुनहगार सलामत हैं या फरार हो गए? फिर कम वक्त, दिल से बच्चे हैं आप छोटे से, आपको चोर सिपाही खेलना है बस, इस बार हमारे लिए मिले तो फोड़ डालिए। मिले तो सही, मिले तो सही ना।